सोलन के बाईपास पर सब्जी मंडी के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों की माने तो कार की रफ्तार बेहद तेज थी। सब्जी मंडी के समीप तेज रफ्तार के कारण कार चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने दुर्घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, लेकिन पुलिस पहुंचने तक युवक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और जैसे ही उसे एम्बुलेंस में ले जाने लगे उसी समय उसने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी ने बताया कि चंबा घाट से न्यूवर्स की ओर कार जा रही थी। कार को 24 वर्षीय चम्मा लाल चला रहा था और सब्जी मंडी के समीप वह कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार पुल से खाई में जा गिरे। घटना के क्या कारण रहे होंगे इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि शव को कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ये चंबा घाट से गाड़ी आ रही थी, न्यू बस स्टैंड की तरफ, मारुति थी और इसका नंबर HB 1626993 था। तो जैसे ही सब्जी मंडी गेट के पास पहुंची, पुल के पास से दाईं तरफ अनियंत्रित होकर गिर गई। घटना के कारणों की भी जांच चल रही है, स्पष्ट नहीं बोल सकते कि किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ है। मृतक की उम्र 24 साल थी, नाम चमन लाल था और ये कनेर गांव पोस्ट ऑफिस कुफ्टू तहसील कंडा घाट का रहने वाला था। इस हॉस्पिटल लाते लाते इसकी मौत हो गई है। इसको ब्रॉड डेड घोषित किया, हॉस्पिटल आया तो इसको डेथ हो चुकी थी।